एवरीवन। इसमें हम लोग राधा कमल मुखर्जी के बारे में जानेंगे। राधा कमल मुखर्जी महान समाजशास्त्री हैं और प्रोफेसर योगेंद्र के अनुसार समाजशास्त्र के प्रारंभ में न केवल औपनिवेशिकता साथ ही साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन का भी प्रभाव था। 1950 से पहले समाजशास्त्र कई स्तरों में समन्वय का समाजशास्त्र था। यह विचित्र संयोग था कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र का विकास दो ऐसे बड़े शहरों में मुंबई और कलकत्ता में हुआ जो अपने वैश्वादी शासन के बड़े केंद्र थे। बाद में लखनऊ भी समाजशास्त्र का बड़ा केंद्र बना। 1950 से पहले जिन समाजशास्त्रियों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है उनमें G.S. घुरिए, B.N. सील, B.K. सरकार, राधा कमल मुखर्जी, D.P. मुखर्जी और K.P. चट्टोपाध्याय का नाम विशेष है। ये सभी समाजशास्त्री भारतीय समाजशास्त्र के प्रारंभिक विद्वान थे तथा भारत के समाजशास्त्र के प्रारंभिक दार्शनिक। 1919 में बंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विभाग शुभारंभ हुआ। ये विभाग पैट्रिक गिट्स के संरक्षण में हुआ। 1921 में डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी की अध्यक्षता में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के अधीन समाजशास्त्र के अध्ययन और शोध कार्य आरंभ किया। डॉक्टर मुखर्जी के अथक परिश्रम साधना चिंतन ने लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग को विकसित किया, पल्लवित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये था लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग का नाम शिगरी विश्वविद्यालय में जाना जाने लगा। ये मां डॉक्टर मुखर्जी के योगदान के कारण हुआ। डॉक्टर मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते थे। उन्हें अर्थशास्त्र की समाजशास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने अनेक दृष्टि से यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि आर्थिक सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में भौतिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत रहते हैं, यहाँ तक संस्थात्मक व्यवस्था की प्रकार्यात्मकता से जुड़े प्रतीत होते हैं। आरंभ में मुखर्जी ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि की समाजशास्त्रीय विवेचना और विश्लेषण प्रस्तुत करने का श्रेय प्राप्त किया। इसी तरह सैद्धांतिक क्षेत्र में प्रयोगात्मक तर्कवादी और पारभौतिक विरोधी पाश्चात्य दृष्टिकोण की आपने कटु आलोचना की। आपका मत है कि आर्थिक, राजनीतिक, वैधानिक, प्रजातंत्र, राजक्रम की स्थापना तभी संभव है जब विभिन्न सामाजिक विज्ञान खंडात्मक रूप से नहीं वरना एकजुट होकर मानव मूल्यों के दर्शन समुच्च के अंगों के रूप में समग्र मानव और संस्कृति के संपूर्ण मूल्यों की खोज की विवेचना करें। इन्होंने मूल्यों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। मुखर्जी ने समाजशास्त्र के क्षेत्र में ग्रामीण अर्थशास्त्र, श्रमिक अर्थशास्त्र, सामाजिक परिस्थिति शास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक दर्शन शास्त्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया है जो अपेक्षित स्थिति में थे। ये रहा मुखर्जी की किताब को देखते हैं, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, द कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया, ये सब तो आप बिल्कुल याद कर जाइए। फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंस, फिलॉसफी ऑफ पर्सनैलिटी, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है राधा कमल मुखर्जी, क्योंकि ये मूल्यों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। डायमेंशन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, डेस्टिनी ऑफ सिविलाइजेशन, डायमेंशन ऑफ वैल्यूज, फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पेरेटिव इकोनॉमिक्स, डेमोक्रेसीज ऑफ द वेस्ट, सिविक्स, रीजनल सोशियोलॉजी, माइन सोसाइटी, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, द थ्योरी एंड आर्ट ऑफ मिस्टिसिज्म, मैन एंड हिज हैबिटेशन, सोशल इकोलॉजी, द सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट, द इंडियन स्कीम ऑफ लाइफ, डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स, बॉडलैंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, द होरिजन ऑफ मैरिज। राधा कमल मुखर्जी की रचनाओं का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न समाज के वैज्ञानिकों के बीच खाइयों को पाटना था, बहुत महत्वपूर्ण है, और वे विशेष रूप से अर्थशास्त्र का अंतर्राष्ट्रीय और समाजशास्त्र को जोड़ना चाहते थे। उनका अर्थशास्त्र सिद्धांत इसी सोच का परिणाम था जिसमें उन्होंने भविष्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया। तो सारे शास्त्र को सिंथेटिक अप्रोच से समन्वय दृष्टिकोण से वो जोड़ना चाहते,
प्रोफेसर मुखर्जी का योगदान भारतीय समाज के अनुभविक अध्ययनों में था। ग्रामीण समस्याओं के संबंध में उनकी रचना लैंड प्रॉब्लम इन इंडिया महत्वपूर्ण रचना है। इनके सम्मान में प्रस्तुत पुस्तक में उन्हें भी आधारीय विद्वान स्वीकार किया गया। वे वैज्ञानिक आधार पर प्रशिक्षित थे, वे अपने विषय के बहुत बड़े ज्ञाता थे, मानवीय आपदाओं तथा चिंताओं के प्रति सजग थे। उन्होंने अपने अध्ययन में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को स्वीकार किया था। डॉक्टर मुखर्जी का मानना था कि आज का जो चित्र है उसमें समाज विज्ञान बटे हुए हैं। प्रत्येक समाज विज्ञान अपने आप में स्वायत्त घोषित है, इनमें पारस्परिक अंतरक्रिया हो और अंतर सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन को प्रोत्साहन मिले। उन्होंने लिखा है कि भारतीय अर्थशास्त्र में बहुत कम है, आवश्यकता इस बात की है कि पारस्परिक अंतरक्रिया जो ब्रिटिश अर्थशास्त्र परंपरा पर आधारित है, भारतीय परंपरा जैसे जाति स्थानीय व्यापकता प्रतिमान दस्तकारी बाजारों के उद्देश्यों का कोई ख्याल नहीं रखा गया। इन सामाजिक परिप्रेक्ष्यों को समझे बिना हम उनके आर्थिक संरचना को नहीं समझ सकते जो इस देश की विशेषता है। अर्थशास्त्र का ये प्रारूप नगरीय औद्योगिक प्रणाली का है। प्रोफेसर राधा कमल जी के कुछ प्रमुख विचारों की चर्चा आगे की जाएगी। तो ये रहा प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी। मूलतः अर्थशास्त्री थे, लेकिन वो चाहते थे कि समाज शास्त्र जितने भी शास्त्र हैं और जितने भी लोग हैं जो अलग अलग अपने शास्त्र को एक अलग आइसोलेशन में बने हुए हैं, उस सिंथेटिक अप्रोच से सारे शास्त्री को एक साथ और इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन के समर्थक थे। तो ये था उनका कुछ खास। और मूल्यों को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा मूल्य मनुष्य के मूल्यों पे उन्होंने स्पेशल फोकस किया है। मनुष्य के सामाजिक झुकाव निर्देशन के तंत्र हैं, वे मानव समूहों और व्यक्तियों को द्वारा प्राकृतिक और सामाजिक संसार से सामंजस्य करने का उपकरण है। अब देखिए, सबसे पहले तो आप मूल्य को जा करके समझिए जो इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी में है। मूल्य क्या है? मूल्य जो है कि स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स है। जैसे मान लीजिए कि सबसे बेहतर करना, अच्छा से अच्छा करना, ये हमारा वैल्यू हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति एग्जाम में सिर्फ पास होता है और कोई व्यक्ति फर्स्ट पोजीशन लाने की कोशिश करता है, फर्स्ट पोजीशन लाना ये एक वैल्यू है। हाई से हाई क्वालिटी अचीव करना, तो मूल्यों पे वो मूल्य के प्रतिमान है जो मनुष्य की बिना आवश्यकताओं की व्यवस्थित पूर्ति में उसका मार्गदर्शन करते हैं। सामाजिक अस्तित्व की दृष्टि से सामूहिक जीवन के केंद्रीय तत्व माने जाते हैं, जिनकी रक्षा के लिए समूह के सदस्य हर संभव त्याग करते हैं। मूल्य एक प्रकार से सामूहिक लक्ष्य होते हैं, जिनके प्रति सदस्यों में स्वाभाविक आस्था होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है, मूल्य के कारण समाज का अस्तित्व बना हुआ है, इनका ये कहना है। वे मूल्य को समाज द्वारा स्वीकृत प्राप्त आकांक्षाओं और लक्ष्य कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आएगा। वो लक्ष्य मानते हैं मूल्य को टॉप पे। हर आदमी टॉप क्वालिटी चाह रहा है, हाई क्वालिटी चाह रहा है। मूल्यों की विशेषता है, मूल्य का महत्व बताते हुए लिखते हैं कि सामाजिक विज्ञान के लिए मूल्यों का वही महत्व है जो भौतिक शास्त्र के लिए गति और गुरुत्वाकर्षण का, शरीर विज्ञान के लिए पाचन क्रिया और रक्त संचार का। किंतु गति गुरुत्वाकर्षण रक्त संचार के तो प्राकृतिक घटनाओं से पृथक करके नापा जा सकता है और एक निश्चित फार्मूले के द्वारा अभिव्यक्त किया सकता है, किंतु मूल्यों को जीवन की बुद्धि और समाज से पृथक नहीं किया जा सकता। मुखर्जी ने मूल्यों के निम्न विशेषता बताया, निरपेक्षता और सार्वभौमिकता। उनका कहना है कि मूल्य निरपेक्ष होते हैं और सार्वभौमिक होते हैं, मूल्यों की अभिव्यक्ति प्रतीकों द्वारा होती है, मूल्य गतिशील है। प्रत्येक समाज में वो मानते हैं कि मूल्य एवं आदर्श समूह की प्रकृति में संबंध होता है। संस्कृति की एकता स्थायित्व मूल्यों पर आधारित है। मूल ही सबको यूनिटी में रखते हैं। मुखर्जी ने मूल्यों को दो श्रेणी में बांटा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद करना है, नेट में पूछ लिया। साधन मूल इंट्रिंसिक वैल्यूज और साधन साध्य मूल इंट्रिंसिक वैल्यू, साधन मूल इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। प्रथम मूल वे लक्ष्य संतुष्टियां हैं जिन्हें मनुष्य समाज जीवन मस्तिष्क के विकास और विस्तार की प्रक्रिया में अपने लिए स्वीकार करते हैं, इससे सेटिस्फैक्शन मिलता है।
व्यक्ति व्यवहार में आंतरिकरण कर लेता है, समसाध होते हैं। दूसरे मूल वो हैं जो समसाध मूल्यों को उन्नत करने के लिए साधन के रूप में प्रयोग होते हैं। प्रथम प्रकार के मूल अमूर्त और लोकातीत होते हैं, जबकि द्वितीय विशिष्ट एवं और अस्तित्व एग्जिस्टेंशियल होते हैं। प्रथम प्रकार के मूल्यों का संबंध समाज और व्यक्ति के जीवन के उच्चतम आदर्शों तथा मूल्यों से, जबकि द्वितीय मूल्यों का लौकिक लक्ष्यों की पूर्ति के साधन और उपकरणों के रूप में है। सामान्य रूप से मनुष्य का संबंध साध्य मूल्यों की अपेक्षा साधन मूल्यों से अधिक होता है, इसलिए उनकी विवेचना सामाजिक विज्ञानों में अधिक की जाती है। सामाजिक मूल्य सार्वभौमिक नहीं है होते, अपितु परिस्थिति एवं क्षेत्रीय आधार पर विकसित होने के कारण इनमें सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, सामाजिक मूल्य में सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में मूल्य है कि वहाँ पे सलाम करना है, लेकिन किसी क्षेत्र में मूल्य है कि प्रणाम करना है। किसी क्षेत्र में मूल्य है कि प्रणाम करना है तो हाथ जोड़ के प्रणाम करना है, तो चेंज हो रहा है। किसी क्षेत्र में मूल्य है कि प्रणाम करना है तो पांव छू के प्रणाम करना है। उदाहरण, भारत में हिंदू विवाह से संबंधित मूल्य, मुस्लिम विवाह के मूल्य, पश्चिमी देशों में विवाह के मूल्य भिन्न है। उनके अनुसार मूल्य सिद्धांत सामाजिक संगठन और सामाजिक संरचना से संबंधित है, इसलिए इसमें स्थानीयता पाई जाती है। मूल्यों की उत्पत्ति, मुखर्जी ने मूल्यों की उत्पत्ति के विभिन्न स्तर बताए हैं, क्योंकि कोई भी विचार या आदर्श प्रारंभ में मूल नहीं बनता, और इसको आप समनर के अकॉर्डिंग भी आप समझते हैं। सबसे पहले आइडिया आता है, आइडिया उसके बाद हैबिट, उसके बाद फॉकवेज जब बनता है तो फॉकवेज बनने के बाद एक स्टैंडर्ड बनता है, रीति रिवाज का एक स्टैंडर्ड बनता है, सबसे बेहतर कौन कर सकता है, तो वो मूल हो जाता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, वे प्रक्रियाएँ, सबसे पहले लक्ष्य, इसको आप याद कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। लक्ष्य मनुष्य के आधार पर आवश्यकताएँ और लक्ष्य के अकॉर्डिंग मूल्य में प्रतियोगिता होती है। दूसरा है आदर्श, आदर्श प्रतियोगी लक्ष्यों में जो सर्वोत्तम होते हैं उनका प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाता है और ये आदर्श बन जाते हैं। मान्यताएँ, जो आदर्श समय के साथ स्थायी हो जाते हैं और समूह अपने अस्तित्व और कल्याण के लिए आवश्यक मान लेते हैं। डॉक्टर मुखर्जी का कहना है कि मान्यताएं आत्मानुभूति के लिए मनुष्य के प्रयत्नों और आकांक्षाओं के मूर्तिमान स्वरूप हैं। उसके बाद मूल्य, यह मानता है जब मनुष्य की चेतना में स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं, उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, तब मूल्य बन जाते हैं। तो क्या क्या है, पहले लक्ष्य बनते हैं, फिर वो आदर्श बन जाते हैं, और मान्यताएं बन जाती है जो स्वीकृत होती है, और वो मूल्य बन जाते हैं। इस प्रकार मूल्यों का संस्करण चार प्रकार की सामाजिक व्यवस्था में देखा जा सकता है। भीड़ में नैतिक भावनाओं के अमानवीय अभिव्यक्ति को देखा सकता है। भीड़ में समानता किसी त्रुटि या सामाजिक अवांछित कार्य को सुधारने का वातावरण प्रदर्शित होता है। ऐसे अवसर पर नैतिकता संबंध मूल्यों का जन्म होता, अपने स्वार्थ के अनुरूप समूह में भाग लेने लगते हैं। इन विभिन्न समूहों की विशेषता है कि इनका एकीकरण का आधार स्वार्थ होता है। भीड़ में ईमानदारी, संघर्ष और प्रतिशोध आदि मूल्यों का प्रादुर्भाव होता है। तो कहाँ कहाँ होता है, मूल्यों का संस्करण चार प्रकार से होता है। भीड़ में होता है, स्वार्थ के कारण होता है। समूह स्वार्थ समूह में आदान प्रदान, एकता, उचित क्या है, अनुचित क्या है, इस पर बात होने लगती है। समाज में होता है और जन समुदाय में होता है। तो इस सबसे पहले भीड़, उसके बाद स्वार्थ, ये मूल्यों की प्रक्रियाएं हैं। चार प्रकार की व्यवस्था में आराम से मिलती है, भीड़ में मिलती है, स्वार्थ में मिलती है, समाज में मिलती है और जन समुदाय में मिलती है, ऐसा इनका अपमूल्य की अवधारणा भी देते हैं। मुखर्जी ने न केवल मूल्यों पर विचार किया बल्कि अपमूल्यों पर भी विचार किया है। आपका मत है कि समाज में मूल्य और अमूल्य दोनों ही विद्यमान है। अपमूल्य से उनका अर्थ है सामाजिक मान्यताओं की उपेक्षा करना। तो ये ध्यान रहे, उपेक्षा भी होती है। मनुष्य की मुख्यतः तीन आवश्यकताएं जिनकी पूर्ति संतुलित से होना चाहिए, शारीरिक और जीवन शास्त्री, बायोलॉजिकल, सामाजिक, सोशल और नॉर्मेटिव। जब इन तीन प्रकार की मानवीय संतुष्टि और पारिवारिक संतुलन बिगड़ जाता है तो अपमूल्यों का जन्म होता है। फिर वो किसी भी कारण, आप ये देख लीजिए, अपने इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं। जैसे आप आर के मर्टन को यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं, डेविएशन जो आता है, कॉन्फॉर्मिटी, इनोवेशन, रिचुअलिज्म, रिबेलियन, उसमें क्या कहते हैं वो, लक्ष्य और साधन में तालमेल, कॉन्फॉर्मिटी, एक में लक्ष्य तो होता है, साधन नहीं होता, इनोवेशन, रिचुअलिज्म,
जिसमें मीन्स होता है लेकिन लक्ष्य नहीं होता। तो जब इसमें संतुलन नहीं होगा तो अपमूल्यन होगा, डिसवैल्यू होगा। और ये क्षेत्र आधारित वैज्ञानिक हैं, शास्त्रीय वैज्ञानिक हैं राधा कमल मुखर्जी। शास्त्रीय दृष्टिकोण के शास्त्रीय नहीं, क्षेत्र आधारित हैं। दृष्टिकोण द्वितीय स्रोतों की महत्ता को नकार कर प्राथमिक आंकड़ों के महत्व को स्वीकार करते हैं और क्षेत्र में जाकर वास्तविक ज्ञान पर बल देते हैं। आधुनिक समाजशास्त्री और सामाजिक मानवशास्त्री इस दृष्टिकोण को अधिकाधिक अपना रहे हैं। तो शास्त्रीय दृष्टिकोण में तो जी एस गुरिये आ जाते हैं, जी एस गुरिये, लुईस ड्यूमो। लेकिन इसमें आपको आते हैं, ये क्षेत्र आधारित है, इसमें आपको आते हैं हमारे मुखर्जी। इन विद्वानों का कहना कि शास्त्रीय दृष्टिकोण द्वारा जो चित्र समाज का प्रस्तुत किया जाता है उसकी विश्वसनीय संदेहजनक है। कुछ लोग तो परंपरागत ग्रंथों पर आधारित ही बात कर लेते हैं, वो कल्पना मात्र है। और उनका कहना है कि जबकि फील्ड आधारित जो होते हैं, क्षेत्र आधारित जा करके आंकड़ों के आधार पर अध्ययन करते हैं, तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, वास्तविकता की बात करते हैं, इसलिए यह दृष्टिकोण अधिक विश्वसनीय, यथार्थ और वैज्ञानिक माना जाता है। अधिकांश आधुनिक समाजशास्त्रियों का कहना है अगर समाजशास्त्र को एक सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार प्रदान करना है तो क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण को प्राथमिकता देनी होगी। तो ये है इनका तरीका। और एक तरीका है अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य, जिसकी हम बात करेंगे, इसमें बी आर अम्बेडकर आते हैं। अधीनस्थ और दलित उद्धार परिप्रेक्ष्य समाज के दलित वर्गों का अध्ययन और उनके उद्धार और सामाजिक आर्थिक उत्थान पर बल देता है कि जितने निम्न जाति के लोग हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, विशेषकर दलित वर्ग के लोग, जो अब तक जिनका शोषण होता रहा, जो अब तक पिछड़े रहे, जिन कारणों से, उनका किस तरह से सुधार किया जा सकता है। इन विद्वानों जनसाधारण विशिष्ट जन के दो परस्पर विरोधी संरचनात्मक द्वैतता डाइकोटोमी के रूप में प्रतिपादित करने का खंडन किया। उन्होंने अपना जीवन सामाजिक सुधार के लिए समर्पित कर दिया। वे ऐसे समाज सुधारक थे जो लगे रहे और समाज के प्रेरक थे। वे इस शताब्दी के एक श्रेष्ठ चिंतक, प्रभावशाली वक्ता, अपने कार्यों से सामाजिक रूढ़िवादिता, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता को दूर करने में जीवन भर ओजस्वी लेखक तथा भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता थे अम्बेडकर जी। दलितों के मसीहा थे तथा उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उनके उत्थान तथा विकास के लिए समर्पित कर दिया। अंबेडकर के साथ डेविड हार्डीमैन ने भी इसी परिप्रेक्ष्य द्वारा अपने अध्ययन किया। तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण है जो नेट में क्वेश्चन आएगा, अंबेडकर और डेविड हार्डीमैन, ये दोनों दलित उद्धार परिप्रेक्ष्य के अध्ययन की वकालत करते हैं। उनके अध्ययन की विषय वस्तु पिछड़ी हुई जनजातियाँ रही हैं, उन जनजातियों के उत्थान हेतु हार्डीमैन ने काफ़ी सुझाव दिए हैं। तो ये था कुल मिला करके।